गाइस, क्या आप भी सीखना चाहते हैं कंप्यूटर प्रोग्रामिंग को? क्या आप भी प्रोग्रामिंग करना चाहते हैं लेकिन आपको ये नहीं पता है कि किस प्रकार से कंप्यूटर में प्रोग्रामिंग की जाती है? तो दोस्तों, डोंट वरी, मैं आज आप लोगों को बताऊंगा कंप्यूटर में प्रोग्रामिंग किस प्रकार से आप कर सकते हैं, किस प्रकार से आप कंप्यूटर में प्रोग्रामिंग को सीख सकते हैं। तो दोस्तों, इसके लिए मेरी वीडियो को पूरा देखें। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सब्सक्राइब कीजिए टेक्नो सेवा चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। दोस्तों, सी लैंग्वेज को आप बेसिक लैंग्वेज भी कह सकते हैं, क्योंकि दोस्तों इस लैंग्वेज को सीखने के बाद आप लोग पाइथन लैंग्वेज, जावा हो गया, जावा स्क्रिप्ट, अदर लैंग्वेजेस हैं, आप उन्हें बहुत आसानी से सीख सकते हैं। दोस्तों, जो मैं आपको बता रहा हूँ इसको ध्यान ध्यान से लिखते जाइएगा, कॉपी में लिखते जाइएगा और फिर प्रैक्टिस करिएगा, जिससे कि दोस्तों ये आपको अच्छे से आ जाए। इसी के साथ दोस्तों, मैं आज आपको इसमें ये बताऊँगा कि आप किस प्रकार से कौन से सॉफ्टवेयर के थ्रू कोडिंग को सीख सकते हैं। तो दोस्तों, इसके लिए मेरी वीडियो को पूरा देखें। और दोस्तों, अगर आपको किसी प्रकार की प्रॉब्लम होती है तो आप दोस्तों मुझसे कमेंट में बात कर सकते हैं, नीचे कमेंट में आप पूछ सकते हैं किसी भी चीज़ों को। तो दोस्तों, आइए स्टार्ट करते हैं। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है उसका सिंटैक्स। सिंटैक्स दोस्तों बेसिकली क्या होता है, जैसे कि हम किसी भी चीज़ के किसी के रूल्स पढ़ते हैं तो उसमें एक रूल्स होता है कि पहले बड़ी आएगी लाइन, फिर छोटी लाइन आएगी, फिर उसके बाद नीचे और छोटी आएगी। सेम टू सेम दोस्तों यहाँ पर सिंटैक्स का भी यही काम है। सिंटैक्स एक रूल है जो कि सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिए है। इसमें दोस्तों आपको बताया गया है कि पहले ये वाला ये टाइप करना है, फिर ये टाइप करना है, फिर ये टाइप करना है, इस प्रकार के मतलब एक रूल है कि पहले ये वाला ही टाइप नंबर वन का टाइप होना है, फिर नंबर टू, नंबर थ्री, इस प्रकार से दोस्तों ये सिंटैक्स कहलाता है। तो ये होता हो गया आपका सिंटैक्स। सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में दोस्तों जो सिंटैक्स होता है उसमें एकदम ऊपर की ओर जो भाग होता है उसे हम कहते हैं हेडर फाइल। तो ये दोस्तों हो गया है सिंटैक्स स्टार्ट। हैज़ इंक्लूड लेस देन stdio.h ग्रेटर देन। दोस्तों याद रखिएगा कि इसमें किसी प्रकार की मिस्टेक ना हो, स्पेलिंग एकदम मैच कर लीजिएगा। include लेस देन stdio.h ग्रेटर देन एंड देन एंटर। नीचे वाली लाइन में आपको लिखना है हैज़ include लेस देन conio.h ग्रेटर देन। दोस्तों ये जो ये लाइन होती है ये होती है हमारी हेडर फाइल। अब आता है दोस्तों मेन। मेन को दोस्त मेन के बाद दोस्तों ओपन पैरेंथेसिस ब्रैकेट और क्लोज पैरेंथेसिस ब्रैकेट को लगा देना है। उसके बाद दोस्तों आपका आता है ओपन ब्रेस। ओपन ब्रेस में दोस्तों ओपन ब्रेस और क्लोज ब्रेस। ओपन ब्रेस जो है दोस्तों मेन के एकदम नीचे आएगा और जो क्लोज ब्रेस होगा वो एकदम लास्ट में आता है, जहाँ पर आपका डाटा या जो भी आपने कमांड दी है वो जब ख़त्म हो जाएगी तो उसके लास्ट में आपका आ जाता है क्लोज ब्रेस। दोस्तों ओपन ब्रेस और क्लोज ब्रेस के अंदर जो भी आप टाइप करते हैं वही दोस्तों आपका रन करता है, वही दोस्तों आपका आउटपुट में आपको मिलता है। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट टॉपिक है, बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए, वो होता है डाटा टाइप और वेरिएबल टाइप। तो दोस्तों यहाँ पर मैं डाटा टाइप की बात करता हूँ तो डाटा टाइप बेसिकली दो प्रकार के होते हैं, प्राइमरी डाटा टाइप और सेकेंडरी डाटा टाइप। प्राइमरी डाटा टाइप में दोस्तों कैरेक्टर, इंटीग्रेटर, डबल, फ्लोट, ये सब आते हैं। और दोस्तों सेकेंडरी डाटा टाइप में दोस्तों एरे, पॉइंटर आदि कुछ आता है। तो दोस्तों आइए मैं आपको प्राइमरी डाटा टाइप के बारे में बताता हूँ। तो अब जानते हैं डाटा टाइप क्या होता है और डाटा टाइप कितने प्रकार के होते हैं। तो दोस्तों डाटा टाइप वैसे बहुत प्रकार के होते हैं, लेकिन दोस्तों मैं आपको यहाँ पे मोस्ट इम्पोर्टेंट डाटा टाइप के बारे में बताऊँगा जो कि चार हैं। पहला होता है चार, दूसरा होता है इंट, तीसरा होता है फ्लोट, चौथा होता है डबल। दोस्तों चार में क्या होता है, चार एक बाइट। इसमें दोस्तों जो इसमें जो डाटा को स्टोर करने की क्षमता होती है वो सिर्फ एक बाइट में होती है, जैसे ए कॉमा बी कॉमा सी हो गया, वेरिएबल हो गया कोई। दूसरा इंट, टू टाइप में हो गया दोस्तों, ये टू टाइप में एक कॉमा दो कॉमा नंबर जो भी हैं एक दो तीन डैश, ये सब टू बाइट में हो सकते हैं। फ्लोट में इसका दुगना हो जाता है, फोर बाइट में यूज़ होता है, और डबल में एट बाइट का यूज़ होता है। डबल फ्लोट का जो फ्लोट और डबल दोस्तों बस सेम टू सेम है, इसमें डिफरेंस इतना ही होता है कि ये इसका दुगना होता है, यहाँ पर 8 बाइट हो जाता है और फ्लोट में आपका 4 बाइट ही रहेगा।
फ्लोट में दोस्तों नंबरिंग जैसे 1.2 हो गई, 1.6 हो गई, जो पॉइंटों की संख्या होती है वो फ्लोट में आती हैं। अब दोस्तों बात कर ली जाए सिंटैक्स फॉर वेरिएबल डिक्लेयर की, तो दोस्तों यहाँ पर पहले आता है डाटा टाइप कि आपका डाटा टाइप किसका है, फिर उसके बाद दोस्तों आता है आपका वेरिएबल नेम, और दोस्तों उसके बाद आपको ये ध्यान रखना है कि सेमी कॉलन जरूर लगाना है उसके बाद, जब आपका डाटा टाइप और आपका वेरिएबल नेम हो जाएगा उसके बाद आपको सेमी कॉलन लगाना है, वरना दोस्तों एरर की प्रॉब्लम आ जाती है अधिकतरों में। एग्जांपल फॉर इंट एक्स सेमी कॉलन, इंट नम सेमी कॉलन, यहाँ दोस्तों जो इंट है वो एक ही स्पेस, और दोस्तों यहाँ पर ध्यान रखिएगा इंट नम इन दोनों के जो बीच में एक ही स्पेस होना चाहिए, इससे ज़्यादा स्पेस नहीं होनी चाहिए, जैसे इंट माई नंबर ऐसा दोस्तों गलत हो जाएगा। तो दोस्तों आप इन दोनों के जो बीच है वो बीच में एक ही गैप होना चाहिए, एक ही स्पेस होना चाहिए, या आप इस प्रकार से लिख सकते हैं इंट माई नम, दोनों एक साथ उनके बीच में कोई गैप नहीं होना चाहिए। जैसे ही आप इतना कर देंगे कंप्यूटर में एक स्पेस एलोकेट हो जाएगा जहाँ पर ये फाइल आपकी सेव हो जाती है। अब दोस्तों कुछ चीज़ें होती हैं जो कि सी लैंग्वेज में आपको बहुत ज़्यादा ही याद करने की ज़रूरत है, तो दोस्तों आप इन बातों को लिख लें फिर उन्हें याद कर लें, इनको एकदम अच्छी प्रकार से रट्टा मार लें, क्योंकि दोस्तों ये बहुत ज़्यादा ही यूज़फुल चीज़ें हैं। तो दोस्तों यहाँ पे पहला आता है प्रिंट एफ, यूज टू प्रिंट द कैरेक्टर, किसी भी रिजल्ट को आउटपुट देने के लिए आपको प्रिंट एफ दबाना होगा। दोस्तों स्कैन एफ, यूज टू रीड कैरेक्टर, इसका यूज़ किसी भी वैल्यू को रीड करने के लिए करते हैं या असाइन करने के लिए करते हैं, जैसे कि आपने कोई वैल्यू दे दी तो उसे अगर आपको असाइन करना है तो दोस्तों आपको वहाँ पे स्कैन एफ को टाइप करना होगा। तीसरा होता है दोस्तों डाटा टाइप सी लैंग्वेज के लिए, तो सी लैंग्वेज के लिए इंट, इंट को जो हम शो करेंगे परसेंट डी से, चार को परसेंट सी से, स्ट्रिंग को परसेंट एस से, फ्लोट को परसेंट एफ से। होते हैं दोस्तों कॉम्बिनेशन ऑफ कैरेक्टर्स, अगर दोस्तों बहुत सारे अल्फ़ाबेट हैं आपके तो दोस्तों वहाँ पर स्ट्रिंग को यूज़ करेंगे, मतलब परसेंट एस का यूज़ करेंगे। अब दोस्तों हीडर फाइल की बात कर ली जाए, हीडर फाइल सी में सी लैंग्वेज के लिए होती है, तो हर एक लाइन को पूरा करने के बाद आपको एक सेमी कॉलन लगाना है लास्ट में ब्रैकेट के बंद करने के बाद। ये दोस्तों याद रखिएगा सेमी कॉलन हम इसलिए लगाते हैं जिससे कि दोस्तों जो आपकी पहली लाइन है वो लाइन आपकी कंप्लीट हो चुकी है, अब दूसरी लाइन में जो आप दे रहे हैं वो एक अलग चीज़ है। नेक्स्ट है दोस्तों ओपन एंड क्लोज ब्रेसेस, ये तो दोस्तों इस प्रकार का होता है, ये ओपन एंड क्लोज ब्रेसेस होता है, ओपन जहाँ पर आप स्टार्ट करेंगे प्रोग्रामिंग को वहाँ होगा, और क्लोज आपकी जहाँ प्रोग्रामिंग ख़त्म हो जाएगी वहाँ पर आपका क्लोज ब्रेसेस आ जाएंगे। नेक्स्ट है दोस्तों सी एल आर एस सी आर ब्रैकेट, तो इसका मतलब होता है क्लियर स्क्रीन, आपकी जो स्क्रीन है जो आप एक बार आउटपुट, अगर आपने आउटपुट किया तो एक ही बार दिखेगा, लेकिन दोस्तों अगर वो दोबारा से दिखेगा तो आपको वहाँ पे क्लियर सी एल आर एस सी आर कमांड को देना होगा। इसके बाद है दोस्तों गैच इस जी ई टी सी एच फिर ब्रैकेट, इसका मतलब होता है दोस्तों स्क्रीन को होल्ड करने के लिए, जब दोस्तों आपको स्क्रीन को होल्ड करना हो तो आप ये वाली जी ई टी सी एच ब्रैकेट वाली कमांड दे सकते हैं। तो दोस्तों ये सब आप कॉपी में याद कर लें और इन्हें अच्छे से प्रैक्टिस में ले आएँ, जिससे कि दोस्तों अब हम जिससे भी दोस्तों आप कभी भी प्रोग्रामिंग बनाएं तो आपको ये हमेशा याद रहेगा। तो आइए अब स्टार्ट करते हैं प्रोग्रामिंग बनाना, तो दोस्तों इसके लिए आपको एक सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करना होगा, तो दोस्तों मैंने उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दी है, आप वहाँ पर जाकर टर्बो सी या टर्बो सी प्लस प्लस को डाउनलोड कर सकते हैं, ये दोनों दोस्तों एक ही हैं, आप यहाँ पर सी प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। तो दोस्तों आइए स्टार्ट करते हैं कि वहाँ से डाउनलोड करने के बाद आप किस प्रकार से अगला स्टेप करेंगे। तो दोस्तों अब आपको उस फाइल को देखना है जहाँ पर आपने डाउनलोड उसे किया है, जैसे कि दोस्तों मैंने उसे अपने सॉफ्टवेयर ब्राउज़र में रखा है, अब मैं उसको ओपन करता हूँ। दोस्तों देखो इस प्रकार से उसका नाम लिखा आएगा टर्बो सी प्लस, डबल क्लिक कर दें ओपन करें, अब यहाँ पर टर्बो सी पर ओपन करें और यहाँ पर लास्ट वाले टर्बो सी पर क्लिक कर दें, फिर नेक्स्ट पर क्लिक करें, आई एक्सेप्ट पर क्लिक करें और फिर नेक्स्ट और इंस्टॉल पर क्लिक कर दें। उसके बाद दोस्तों कुछ टाइम में इंस्टॉल हो जाएगा आपका। इंस्टॉल होने के बाद दोस्तों आपको सिंपली से
कैंसिल करके सब कुछ टर्बो सी प्लस को ओपन करना है। अब दोस्तों टर्बो सी प्लस ओपन हो चुका है। यहाँ से दोस्तों आप डायरेक्ट यहाँ स्टार्ट या न्यू प्रोजेक्ट या स्टार्ट टर्बो पर भी क्लिक कर सकते हैं। कहीं पर भी क्लिक करें दोस्तों ये ओपन हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों अगर इतनी फाइलें खुल जाती हैं तो आप इसको एक फाइल पर सेलेक्ट कर सकते हैं। जिस फाइल पर आप सेलेक्ट करेंगे उतने कम हो जाएंगे। यदि दोस्तों आप चाहते हैं इसको हटाना या इसको मिनिमाइज़ करना तो सिंपली आपको विंडो और डी दबाना है। और दोबारा से आप चाहते हैं कि ये फुल बैकग्राउंड में आपके दिखे तो दोस्तों आपको ऑल्ट प्लस एंटर पर क्लिक कर देना है। तो दोस्तों ऑल्ट प्लस एंटर दबाने से ये फुल स्क्रीन में बड़ा हो जाएगा, मतलब इसका साइज बड़ा हो जाएगा। सेम टू सेम दोस्तों आपको हेडर फाइल उतारनी है। यहाँ पे हैज़ इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच ग्रेटर देन सेम टू सेम हैज़ इंक्लूड लेस देन कोनियो डॉट एच ग्रेटर देन। उसके बाद दोस्तों मैं इस कमांड के थ्रू आपको हाई का मैसेज करके दिखाऊंगा। तो अब यहाँ पर ये सिंपल है तो मैं यहाँ पर void ले रहा हूँ। void का मतलब null होता है, मतलब कुछ भी नहीं है। फिर main उतारना है, फिर parenthesis bracket open and close के फिर उसके बाद आपको सेम टू सेम जहाँ वहाँ भी मैंने बताया था ब्रैकेट के बाद जो आपको कमांड देनी है प्रिंट सी एल आर एस सी आर, क्योंकि आपको एक ही चीज़ डबल बार नहीं चाहिए तो इसके लिए सी एल आर एस सी आर पैरेंथेसिस ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज सेमी कॉलन फिर प्रिंट देना है। ये दोस्तों एक लाइन होती है कि हाँ इसके बाद यही उतारना है। ये आपको एक यही सिंटैक्स है कि मतलब एक इसके बाद ये आना है, इसके बाद ये आना है। ये हमारा सिंटैक्स होता है प्रिंट एफ ब्रैकेट डबल कोट, जैसे कि मैं लिख देता हूँ गुड मॉर्निंग टेक्नो शिवा। ब्रैकेट डबल कोट बंद और ब्रैकेट बंद और सेमी कोलन। फिर इसके बाद इसको हमें शो कराना है तो शो कराने के लिए क्या कहा था मैंने GETCH ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज सेमी कॉलन एंड देन क्लोज। अब आपको सिंपली ऊपर रन पे क्लिक कर देना है। आप यहाँ पे कंपाइल भी कर सकते हैं। कंपाइल में दोस्तों ये हो जाता है कि आप चेक कर सकते हैं कि आपने जो कोडिंग करी है वो ठीक है या नहीं है। यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं वार्निंग भी जीरो है और एरर भी नहीं है। तो दोस्तों ये कोडिंग आपकी एकदम ठीक है। तो यहाँ पर आ गया है सामने दोस्तों गुड मॉर्निंग टेक्नो शिवा। तो दोस्तों इस प्रकार से आप कोडिंग कर सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर कीजिए। और दोस्तों ये मैं आपको बात बता देता हूँ कि आप एक एक चीज़ इसमें लिख लिख के याद कीजिए, क्योंकि दोस्तों ये ऐसे याद नहीं होती है। इसे आप अच्छे से याद कीजिए। कोडिंग एक दिन आपने सीख ली फिर आप भूल जाएंगे अगले दिन। तो दोस्तों ये तो दोस्तों अब स्टार्ट करते हैं दूसरा प्रोग्राम बनाना। दोस्तों तो अब प्रोग्रामिंग स्टार्ट कर रहे हैं। पहले मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो पहले आपको हेडर उतारना है, हैज़ इंक्लूड लेस देन एस टी डी आई ओ डॉट एच ग्रेटर देन देन एंटर has include less than c o n i o dot h greater than। फिर आपको यहाँ पर डाटा टाइप चेक करना है, डाटा टाइप लिखना है अपना, जैसे कि मैं यहाँ पे void कर दे रहा हूँ। फिर उसके बाद main,
फिर पैरेंथेसिस ब्रैकेट लगा देना है, उसके बाद नीचे आपको ब्रैकेट लगाना है और CLR SCR, क्योंकि आप हर बार एक ही आउटपुट नहीं लेना चाहते हैं इसलिए आप CLR SCR कमांड देंगे, ब्रैकेट और सेमी कॉलन। फिर नीचे लिखना है आपको इंट ए, मैं आपको यहाँ पे दो चीज़ों को जोड़ के दिखाऊंगा, इंट बी सेमी कॉलन। सॉरी यहाँ व्यू आईडी नहीं, मैं इंट लेके चल रहा हूँ क्योंकि दो चीज़ों को जोड़ के दिखाऊंगा आपको, इंटीजर में दो संख्याएं हो सकती हैं। नेक्स्ट है PRINT प्रिंट एफ ब्रैकेट, फिर डबल कोट, फिर जो आपको प्रोग्राम में लिखना है, जैसे कि मैं यहाँ लिख देता हूँ फर्स्ट नंबर, आप कुछ भी लिख सकते हैं, फर्स्ट मोबाइल नंबर या जो भी आप लिखना चाहते हो, जो प्रोग्राम बनाना चाहते हो, ब्रैकेट क्लोज सेमी कॉलन। नीचे आपको इसको शो कराने के लिए स्कैन एफ लिखना होता है, किसी भी चीज़ को शो कराने के लिए मैंने अभी पीछे बताया था स्कैन एफ लिखना होगा, ब्रैकेट डबल कोट। स्कैन एफ को मैंने अभी दिखाया था पीछे आपको, परसेंट डी से शो करते हैं, डबल को क्लोज कॉमा। ये वैल्यू जो है किस में आपको असाइन करना है, तो मुझे ये ए में असाइन करना है, तो एंड और फिर ए एंड देन ब्रैकेट क्लोज देन एंटर। अब यहाँ पर दोस्तों मैं प्रिंट एफ ब्रैकेट डबल कोट दूसरी वैल्यू के लिए ले रहा हूँ, तो यहाँ पर सेकंड नंबर ले सकता हूँ या जो भी आप लेना चाहें वो ले सकते हैं, ब्रैकेट और सेमी कोलन देन एंटर। अब इसको भी आपको किसी में असाइन करना होगा, तो इसके लिए भी आपको स्कैन एफ ब्रैकेट डबल कोट और स्कैन एफ को परसेंट डी से शो करते हैं, तो परसेंट डी कॉमा। दोस्तों याद रखिएगा कि ये जो डबल कोट है इसे बंद करने के बाद ही कॉमा लगाइएगा, एंड ये आपको किस में असाइन करना है, बी में, और फिर ब्रैकेट एंड। दोस्तों यहाँ पर ये भी चेक करिएगा, फिर आपको इन दोनों को ऐड कराना है, तो INT एक अदर से मान लेता हूँ मैं सी है जो मेरा, तो सी में मुझे ए प्लस बी का सम चाहिए, तो सी ए प्लस बी। नेक्स्ट दोस्तों यहाँ पर भूलिएगा मत, सेमी कॉलन आपको लगाने हैं, हर एक लाइन के बाद में आपको सेमी कॉलन लगाना है। फिर नेक्स्ट में प्रिंट एफ और डबल कोट। फिर दोस्तों आपको यहाँ पर देना है जो कि आप देना चाहते हैं, आप सम लेना चाहते हैं दोनों का, तो सम ऑफ टू नंबर्स हैं, तो टू नंबर डबल कोट, सॉरी डबल कोट नहीं, परसेंट डी है ये हमारा, तो डी डबल कोट कॉमा एंड किस में लेना चाहते हैं आप, सी में, तो सी ब्रैकेट सेमी कोलन। फिर इसका आउटपुट लेने के लिए दोस्तों आपको GETS ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज और सेमी कोलन कमांड देनी होगी। दोस्तों अब यहाँ पर याद रखिएगा, जहाँ जहाँ आपने सेमी कोलन हर एक जगह लगाना है, अब मैं हर जगह सेमी कोलन लगा दे रहा हूँ, कहीं कहीं मेरा छूट गया था, तो
अभी मैंने हर जगह सेमी कॉलन लगा दिया है। दोस्तों अगर आपका सेमी कॉलन नहीं लगा है, कभी कभार एरर आ जाती है, तो जब आप कंपाइल करेंगे तो कंपाइल में आपको एरर बता दी जाएगी कि एरर आपकी इस जगह पर आ रखी है। तो जैसे कि दोस्तों अभी एक एरर दिखा रहा है, क्योंकि यहाँ पर मेरा अभी सेमी कॉलन नहीं लगा है, यहाँ पे एरर यहाँ दिखा रहा है, बट दोस्तों इसका मतलब सेमी कॉलन जो है ऊपर आपका रह गया है, क्योंकि ये दोनों लाइनें एक साथ मैच हो रही थी। तो दोस्तों अब ये दोनों लाइनें अलग अलग हो गई हैं, अब ये सेमी कॉलन लग चुका है, अब एरर जीरो हो गई है। तो मैं अब स्टार्ट करता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर अब फर्स्ट नंबर पूछ रहा है, मैं 5 डाल देता हूँ, सेकंड नंबर भी 5 डाल दे रहा हूँ, देन दोनों का जो ऐड करके आया है वो 10 आ गया है। दोस्तों ये हमारा सॉफ्टवेयर रन करने लगा है। नेक्स्ट मैं दोस्तों एक बार और करके दिखा देता हूँ आपको, रन पर क्लिक कर दिया है। फर्स्ट नंबर है मेरा 202 एंड सेकंड नंबर है मेरा 178 और सम ऑफ करता हूँ तो 330 आता है। तो दोस्तों इस प्रकार से आपका रन सॉफ्ट आपकी कोडिंग रन कर जाएगी और आपको आउटपुट मिल जाएगा। तो दोस्तों मेरा मानना है कि आप समझ गए होंगे किस प्रकार से मैंने कोडिंग करी है। अब नेक्स्ट आते हैं दूसरी कोडिंग पर। सब्सक्राइब कीजिए टेक्नोशिवा चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।